गुड मॉर्निंग सर। हेलो एवरीवन। हेलो सर, कैसे हैं ऑल? ऑल फाइन सर, फाइन। शुड बी फाइन। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। ओके, व्हाट आर वी टुडे गोइंग टू डू? कैन एवरीवन सी माय स्क्रीन? यस सर। ओके गुड। Okay, today we are going to do WH family. Yes, sir. What is it? WH family. WH family. Can anyone tell me what is it? WH family. Who, what, when? I say, no? Who, what, when, whom? Yes. Now today we will actually not just discuss WH family. Today we will discuss the answers also for these questions. जी. Okay, everyone getting me? Yes, sir. Okay, good. Yes. The first one is we will discuss what. Now, what is the meaning of what? What? Kya? 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 Yes, kya. So, whenever this question comes, तो कोई यही पूछ रहा होता है, like what are you doing? What are you? आप क्या कर रहे हो? Doing, ठीक है? Okay, तो आप क्या कर रहे हो? तो इसका आंसर क्या होगा? What will be in the answer? We will respond. Wait. We will respond the things, the objects, or actions. With actions, right? Actions means verbs. Doing मतलब काम क्या कर रहे हो, तो हमें ये बताना है कि हम ये कर रहे हैं और इन चीजों के साथ कर रहे हैं. जी, ठीक है. लाइक वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग. अब यहां पर ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आई एन जी. वी हैव यूज्ड दिस, वी आर स्टडिंग. अब यहां पर ऑब्जेक्ट और थिंग्स आ जाएंगी. क्या हम स्टडी कर रहे हैं? लाइक वी से वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो हम ऐसा लिख देंगे वी आर स्टडिंग इंग्लिश. ठीक है. वॉट, जब भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू मेंशन एक्शन एंड ऑब्जेक्ट, एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट. एक्शन आएगा जो भी, जैसे स्टडी कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं,
एक बात का ध्यान रखना है, वन थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ, क्वेश्चन में आई एन जी होगा तो आंसर में भी आई एन जी लगाना होता है नॉर्मली. आर यू गेटिंग इट? क्वेश्चन में आई एन जी होगा तो आंसर में भी आई एन जी लगाना पड़ेगा. ओके, अब वॉट आर यू? अब यू यहां पर पूछा है डायरेक्टली, आपको पूछा है यू डूइंग. अब यू में सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है. Yes, sir. है ना, दोनों आते हैं यू में. यू का मतलब एक ग्रुप भी हो सकता है, जैसे मान लो काफी सारे बॉयज गर्ल्स खड़े हैं तो हमको, हम उनको कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग. यू यहाँ पर प्लूरल हो गया, ऑल, हमने सब पूरे ग्रुप को पूछा है. तो उनका आंसर यही होगा, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर वेटिंग फॉर टीचर, वी आर प्लानिंग दिस थिंग, वी आर थिंकिंग दिस थिंग. है ना, जो भी मतलब, अगर वो थिंक कर रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे तो थिंक के साथ आई एन जी, अगर वो खेल रहे होंगे तो प्ले, प्ले के साथ आई एन जी, अगर वो कुछ प्लान कर रहे होंगे तो प्लान डबल एन आ जाएगा यहाँ पर, प्लानिंग टू टू प्ले या टू स्टडी टू स्लीप, है ना, वॉट एवर. तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे साथ में इस वर्ब के साथ में, टू प्ले, स्लीप, क्या क्या वो सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आर यू गेटिंग एवरीवन? जी जी, यस सर. गुरबा समझ में आ रहा है? यस सर. ओके, जब भी क्वेश्चन व्हाट होगा तो उसका आंसर ऐसे ही होगा. ये देखो, अब हमने ना आज तक जो किया है वो सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं. सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है. सब्जेक्ट का मतलब नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है. नाउन तो डायरेक्टली नाम होता है, और नाम की जगह पर, नेम की जगह पर प्रोनाउन होता है, ठीक है. अगर किसी को सब्जेक्ट का नहीं पता तो पिछली वीडियोस देखें, अगर किसी को नाउन का नहीं पता तो पिछली वीडियोस देखें, प्रोनाउन का नहीं पता तो पिछली वीडियोस देखें. वर्ब के साथ, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के साथ आई एन जी ये हमने शायद अभी तक नहीं किया है, लेकिन हम इसके रूल्स अभी भी नहीं कर रहे हैं. मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर्स वी आर डिस्कसिंग टुडे ओनली. तो ये क्वेश्चन में अगर आई एन जी होगा तो आंसर में भी आई एन जी लगाना होता है, ठीक है. और ये जो है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, has, have, had, has, have, had, ठीक है. ओके, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ये वर्ब की हेल्प करते हैं, वर्ब की, ये वर्ब है, यू सी ये. अब इसका नाम हेल्पिंग वर्ब कैसे है? वो ऐसे है क्योंकि ये जो वर्ब लगा है ना, इसके बारे में ये हमें बताता है टाइम. क्या बताता है? टाइम. ये स्पेसिफिक टाइम नहीं बताता है, ये सिर्फ ये बताता है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, बस इतना ही टाइम बताता है. जैसे अगर प्रेजेंट होगा तो क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा. अगर पास्ट होगा तो ये लगेगा. अगर किसी के पास कोई चीज होगी और प्रेजेंट होगा तो ये लगेगा, अगर पास्ट होगा तो हैड लगेगा, ठीक है. ये हम डिटेल में बाद में करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बता रहा हूं. एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, दैट इफ समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन, हाउ यू गोना आंसर इट? क्लियर टू एवरीवन? जी सर. आवाज नहीं आ रही है? जी 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 सर. या ऐसे, लाइक दिस. ओके, वेरी गुड. तो ये समझ में आ गया, हमने हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली डिस्कस नहीं करना था. दिस इज नॉट द मैटर, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है हेल्पिंग वर्ब. आज हमारा नाउन प्रोनाउन भी टॉपिक नहीं है, आज हमारा सब्जेक्ट भी टॉपिक नहीं है, ठीक है. तो हम सिर्फ जो कर रहे हैं वो यही है कि अगर क्वेश्चन होगा व्हाट होगा तो हमने उसका आंसर कैसे देना है. तो ये सबको समझ में आ गया है? जी सर. जी जी. ओके, अब आप ये देखो, वी आर के साथ ये भी लगा सकते हो, वी आर के साथ ये भी लगा सकते हो, वी आर के साथ ये भी लगा सकते हो, ये भी कुछ भी, और फिर साथ में ये भी लगा सकते हो, इनमें से कुछ भी, या इंग्लिश या फुटबॉल या गेम्स. वी आर थिंकिंग अबाउट गेम्स. अबाउट मतलब बारे में,
अबाउट मतलब बारे में, ठीक है? यस सर जी. अबाउट गेम्स, वी आर थिंकिंग अबाउट गेम्स, वी आर प्लेइंग. अबाउट गेम्स तो नहीं हो सकता, वी आर प्लेइंग, प्लेइंग तो सिर्फ डायरेक्टली गेम्स आएगा, ठीक है? एंड वी आर प्लानिंग अबाउट गेम्स, हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे कैसे कौन सी गेम्स खेलनी है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा. लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग. ओके, अब जब हम स्टडी करते हैं, बुक कोई स्टडी करते हैं, कोई चैप्टर स्टडी करते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज. अब किसी का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी का क्वेश्चंस के बारे में. जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर स्टडी किया हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है? तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज हिस्ट्री, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज प्री हिस्ट्री, ठीक है? व्हाट आर गेम्स, ये सब में व्हाट व्हाट लग जाएगा सब में, ठीक है? व्हाट आर गेम्स. एक तो ना ये मेरे इसमें प्रॉब्लम पता नहीं क्या होगी है. ओके, यहाँ पर पूरा व्हाट व्हाट लग जाएगा और हम यहाँ क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है? व्हाट इज प्री हिस्ट्री, व्हाट आर गेम्स, तो आपको आंसर क्या बताना है. देखो यहीं से आंसर बन जाता है, यहीं से आंसर बनेगा. कैसे बनेगा, हिस्ट्री इज आगे कुछ भी, ठीक है? आगे इसकी डिटेल, आगे इसकी इंफॉर्मेशन जो आपने चैप्टर में स्टडी की होगी वो आएगी, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पहले नाम फिर इज एम आर. जैसे हम ये बना रहे हैं, देखो सी हियर वी आर, ऐसे हिस्ट्री इज. आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर. या अब प्री हिस्ट्री इज, अगर प्री हिस्ट्री होगा तो फिर प्री हिस्ट्री इज, ठीक है? अगर गेम्स होगा तो इसकी जगह पर क्या लग जाएगा, गेम्स. अगर सिंगुलर होगा तो गेम होगा, इज गेम इज. अगर प्लूरल होगा तो गेम्स आर, जी ठीक है? प्लूरल के साथ ये यूज करना है. तो गेम्स आर आगे की इंफॉर्मेशन, गेम्स आर दी थिंग्स विद विच वी कैन एंटरटेन आवरसेल्फ्स एंड रिफ्रेश आवर मूड्स एंड इंप्रूव आवर हेल्थ एंड दिस एंड दैट, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स. तो ये आंसर्स हो जाएंगे इसके. समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर. अब क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज पेन, व्हाट इज पेन. अब क्वेश्चन है व्हाट इज पेन. कैन एनीवन आंसर, फातिमा जी कैन यू आंसर दिस, व्हाट इज पेन, व्हाट इज पेन. तो ये क्या पेन है क्या? हाँ, व्हाट इज पेन मींस पेन क्या होता है, या पेन क्या है. जी, ये पेन क्या है, क्या ये पेन है, वो सॉरी क्या ये पेन है. नो, क्या ये पेन नहीं है, ऐसा नहीं है. ये क्वेश्चन है कि पेन क्या है, पेन किसे कहे, मतलब इसका मतलब है पेन किसे कहते हैं, पेन क्या चीज होती है, इसका मीनिंग ये है. व्हाट इज पेन, तो हमें आंसर में देखो सबसे पहले तो यही बताना ना, पेन इज, ठीक है? पेन इज, यहीं से आंसर हमारा स्टार्ट हो जाता है. इसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं होता है, आंसर यहीं से स्टार्ट हो जाता है. जी. ओके, अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या बता सकते हैं हम. पेन इज एन इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक चीज है, ऑब्जेक्ट है, या फिर पेन इज अ थिंग, है ना, कोई थिंग है, चीज है. विद विच वी कैन राइट, विद विच मतलब आगे कुछ भी, ये हमने नहीं करना अभी, ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हाउ आर वी गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस. अब व्हाट वाला क्वेश्चन होगा तो ये सब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऐसे ही बताना है. देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है कि यू डोंट नो द आंसर. क्या होता है, यू डोंट नो द आंसर. अब उसमें क्या करोगे आप? देखो यू आर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग, यू आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, सो आपको आता है नहीं आता है, या कितना आता है, कितना उस चीज के बारे में पता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. नॉलेज होना उस चीज के बारे में एक अलग बात है, ठीक है? लेकिन उस चीज को, आपकी नॉलेज कैसी भी है, उस चीज को आपको इंग्लिश में बताना, इंग्लिश में दिखाना कि मुझे इतनी नॉलेज है, ये एक स्किल है, इट इज अ स्किल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर.
मेरा स्किल भी उड़ गया यहाँ से. ओके तो देखो हमें अब क्वेश्चन है व्हाट इज पेन. मुझे नहीं पता पेन क्या होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ. पेन इज समथिंग, पेन इज एन ऑब्जेक्ट, पेन इज समथिंग, पेन कोई चीज है या पेन इज सम ऑब्जेक्ट. ठीक है, पेन इज सम ऑब्जेक्ट. बेसिकली आई डोंट नो, आई नो ओनली दिस मच. मुझे मतलब बेसिकली ज्यादा पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है. क्या पता है? पेन इज समथिंग, पेन इज एन ऑब्जेक्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. देखो इंग्लिश स्पीकिंग में जरूरी नहीं है कि आपको पेन का पता हो, आपको पेंसिल का पता हो, आपको गेम्स का पता हो, आपको हिस्ट्री का पता हो, आपको इसका पता हो, आपको उसका पता हो. इट इज नॉट नेसेसरी. यू आर नॉट गॉड. ठीक है, वी आर नॉट गॉड, राइट? हम भगवान नहीं है, हम अल्लाह नहीं है, हमें नहीं पता पेन क्या होता है. लेकिन हमें ये चीज बतानी तो आनी चाहिए ना कि हमें नहीं आता जी. है ना? यस. तो पेन इज समथिंग, पेन कुछ होता है, बट आई डोंट नो. बट का मतलब क्या होता है? आई डोंट क्या लेकिन. बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन लेकिन है ना. पर भी कह सकते हैं, पर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता. सो बट यूज कर सकते हैं. नाउ पेन इज समथिंग बट आई डोंट नो. आई डोंट नो. नो मुझे more. नहीं पता. या मच. आई डोंट नो मोर या मच. ठीक है, आई डोंट नो मच. मुझे ज्यादा नहीं पता. ठीक है, क्लियर हो गया. पेन इज समथिंग बट आई डोंट नो मोर. अब देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं. एवरीवन लिसन. आसमा जी आई हैं? ओके नहीं आई है. गुरबा, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? फातिमा जी, इकरा जी, जी सर. okay. यस सर. देखो क्वेश्चन होता है कुछ भी, उसके बारे में आपको कुछ तो आना ही चाहिए. कम से कम ये बोलना तो आना चाहिए कि सॉरी आई डोंट नो. ठीक है, क्योंकि बेस्ट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. नॉलेज कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दुनिया में कोई भी गॉड नहीं है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स गॉड नहीं है. ठीक है, वैसे तो भगवान है दुनिया में, अल्लाह पाक है दुनिया में, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स में कोई भी गॉड नहीं है, कोई भी अल्लाह नहीं है. तो सब कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं अधूरे हैं. हमें सबसे पहला काम ये करना है कि वी विल नॉट फील शाय. हमें शर्म नहीं करनी है बिल्कुल भी. आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर. हमें आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं है, लेकिन जितना आता है वो हमें बताना आना चाहिए कि कैसे बताना है. ठीक है, और एक और चीज भी है. एवरीवन विल लाफ ऑन यू. एवरीवन विल लाफ ऑन यू, सो वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. हमें उसकी परवाह नहीं करनी है. वी जस्ट हैव टू इग्नोर इट. क्योंकि जब भी कोई नीचे से उठता है, दुनिया उस पे हंसती है. यस सर. ठीक है, हमें उसकी अगर हम उसकी केयर करेंगे तो हम उठ नहीं पाएंगे. सो वी विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट. वी विल जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. फाइन. तो अब मुझे पेन के बारे में नहीं पता, तो मैंने क्या बोला? पेन इज समथिंग बट आई डोंट नो मच. Yes, सामने वाला बंदा अगर उसको इंग्लिश आती होगी तो ही माइट बी टेलिंग यू, ही विल टेल यू पेन इज एन ऑब्जेक्ट विद विच वी कैन राइट एंड इट इज ऑफ 10 rupees, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इट इज अवेलेबल फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप एंड दिस एंड दैट एंड इट इज द पेन्स आर वेरी कॉस्टली, दे आर द स्टेटस ऑल्सो, दे आर द स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. ये वो कुछ भी मतलब बोलते रहो आगे आगे. ठीक है, या वो बोलेगा या आप बोल सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो. मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक तो आंसर बिगिन करना आना चाहिए कि आपको नॉलेज है या नहीं है, तो उसका आंसर कैसे देना है. आप सिंपल ये भी बोल सकते हो, पेन इज समथिंग बट आई डोंट नो मोर. और इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है दैट इज एक्सप्रेशन. आप हाथों को कैसे हिला रहे हो. अब ये कोई बंदा है, ठीक है, ये बात कर रहा है, ये एक्सप्रेशन ऐसे दे रहा है, आई डोंट नो मोर, दोनों हाथ खोल के. आर यू गेटिंग इट? जी जी है ना. yes, ये वाला yes, ये वाला जो
ये वाला बंदा है, ये सीधा खड़ा है, इसके हाथ दोनों ऐसे हैं और सीधा बोल रहा है आई डोंट नो मोर, और ये इसका एक्सप्रेशन है स्माइल के साथ आई डोंट नो मोर। तो देखो नॉलेज इसको भी नहीं है, नॉलेज इसको भी नहीं है, लेकिन इसने क्या बोला, एक्सपर्ट बन के बोला, इसको पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे बोलनी है, तो इसने इम्प्रेस कर दिया दूसरे को, बिना नॉलेज के इम्प्रेस कर दिया इसने, और ये वैसे ही रह गया। आर यू गेटिंग इट? तो ये फर्क नहीं होता कि आपको कितनी आती है, ये बहुत फर्क होता है कि आपको कैसी आती है। तो ये क्वेश्चन आ गया सबको समझ में कि जब भी व्हाट होगा तो क्या हमने आंसर देना है। जी यस सर। ओके वी विल नाउ गो अहेड। और एक और चीज, एवरीवन इज लिसनिंग, तो मैं बता रहा हूं कि जहां पर आपको समझ में नहीं आता, इट इज योर ड्यूटी टू स्टॉप मी एंड आस्क मी। आपकी क्या ड्यूटी है? स्टॉप मी एंड आस्क मी। यस जी। गुरबा इकरा, आस्क का मतलब पता है गुरबा? यस सर, पूछना। कहना, पूछना। कहना सर। ओके नाउ आई गोना रब दिस। ओके नाउ सेकेंड इज व्हाट इज दिस? ओके सेकेंड इज व्हाई, क्यों? या इसका मतलब होता है क्यों। ओके जब भी ये आता है, ये क्वेश्चन आता है व्हाई, आपसे yes, कोई मिस्टेक हो गई, गुरबा से घर पे कुछ टूट गया, उनके पापा बोलेंगे व्हाई, मतलब क्यों तोड़ा, व्हाई यू ब्रोक दिस, है ना? यस सर। क्यों तोड़ा? जी इकरा अपने फोन यूज कर रही थी तो उसकी मम्मा ने बोला व्हाई यूजिंग फोन। फातिमा जी ज्यादा सो रही हैं तो फैमिली मेंबर्स पूछेंगे व्हाई यू स्लीपिंग, है ना? जब भी ये क्वेश्चन होता है तो आंसर में होता है रीजन, यानी कारण। ओके हमने कोई काम किया वो गलत है या सही है, लेकिन अगर सामने वाला पूछ रहा है कि आपने क्यों किया, तो आपको उसका रीजन बताना है कि इसके पीछे ये वजह थी, इसके पीछे ये कारण था, दिस इज द रीजन। नाउ मैं सो रहा हूं तो somebody is asking me why are you sleeping so much? So much. ठीक है, इतना ज्यादा क्यों सो रहे हो? Yes sir. जी sir. क्वेश्चन तो यहां तक भी हो सकता है ना, why are you sleeping? Yes sir. ठीक है, और क्वेश्चन इसके बिना भी हो सकता है। देखो इंग्लिश स्पीकिंग हम सीख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में ना ग्रामर अक्सर गलत होती है, इट इज रॉन्ग। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो एक कंप्लीट सेंटेंस है व्हाई यू स्लीपिंग सो मच, दूसरा सेंटेंस है व्हाई आर यू स्लीपिंग, यहीं तक। तीसरा है बिना आर के, हम ये नहीं यूज करेंगे व्हाई यू स्लीपिंग। अब ये ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज रॉन्ग, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश स्पीकिंग इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। यस सर। ठीक है, अब यू को या यूज किया जाता है, या व्हाई आर स्लीपिंग, व्हाई या व्हाई आर स्लीपिंग, मतलब व्हाई यू स्लीपिंग। अब ये इंग्लिश स्पीकिंग का थोड़ा एडवांस सेंटेंस है, सो एवरीबॉडी हु इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग यूजेस दिस काइंड ऑफ इंग्लिश। यस सर। तो हमें खैर ये नहीं सीखना है, तो आई वॉज जस्ट टेलिंग यू इंट्रोडक्शन की कोई अगर ये पूछे व्हाई आर स्लीपिंग, मतलब इसका ये होता है कि व्हाई यू स्लीपिंग। ठीक है, तो हमें इसका आंसर क्या देना है, हमें इसका रीजन बताना है, आई एम सो टायर्ड। ठीक है, आई एम सो टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ,
है ना, मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम सो टायर्ड, ठीक है, मेरा बस नहीं चलता। अब किसी को सोने की आदत होती है, गुरबा एंड इकरा एंड फातिमा जी एंड हुएवर इज अटेंडिंग द क्लास, आपका रिस्पॉन्स ना थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा मीन्स यस नो, कम से कम ये इससे क्या होता है पता है, या गुड, इससे क्या होता है आप स्लीपिंग मोड में नहीं जाते हो, बॉडी में जो ब्लड है अगर वो प्रॉपर सर्कुलेट होता रहेगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, तो यू वोंट बी फीलिंग स्लीपी, ओके। अगर ये ज्यादा नहीं घूमेगा, हम एक्टिव नहीं होंगे, हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो 80% ही एक्टिव रहेंगे, 20% विल बी स्लीपिंग। यस सर। तो जरूरी है अपने हाथों को एक्सप्रेशंस भी देते रहो। If someone is walking, someone is watching you or not, hardly matters. कोई आपको देख रहा है इस टाइम या नहीं देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप दो तीन चीजें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इंक्लूड कर लो। फर्स्ट इज गुड स्ट्रेस। स्ट्रेस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं कुछ और वर्ड यूज करने वाला था लेकिन वो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। नो, इट इज स्ट्रेस इज प्रेशर। प्रेशर किस चीज का? प्रेशर ऑफ टंग। टंग मतलब जीभ का प्रेशर, ठीक है, जीभ का प्रेशर। हम देखो, अब मैं ये बोल रहा हूं, आई एम सो टायर्ड। अब इसमें कोई प्रेशर नहीं है, ये जिस टोन में, जिस जैसी आवाज में आई से शुरू हुआ, यहां पर उसी आवाज में खत्म हो गया, सेम आवाज में, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। अब इसमें ना तो टंग का प्रेशर है, देयर इज नो प्रेशर एट ऑल, जैसा आपने शुरू किया था वैसे ही आपने खत्म कर दिया। एक एक्सप्रेशन, इससे पता है क्या होता है, ये दोनों चीजों से, टंग के प्रेशर से और एक्सप्रेशंस, हाथों के एक्सप्रेशन से आप एक्शंस ले रहे हो। अब कोई बंदा, yes, sir. देखो ये चेहरा है किसी का, ठीक है, yes, sir. अब अगर ये वो ये ऐसे बोला आई एम टायर्ड, तो क्या ये सही है? नो सर। एक ये बोल रहा आई एम सो टायर्ड, तो कौन सा सही है दोनों में से? सर ये वाला सही है, राइट। फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट दिस वन। सेकेंड सर टायर्ड है। सेकेंड टायर्ड है, यस। अब देखो ये चेहरे का एक्सप्रेशन है, इसको देख के पता चल रहा है कि इट इज टायर्ड। सो जब भी आपने हमारी अब जल्दी खत्म हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज दिस? Can everyone see my board? Yes, sir. तो ये हमने एक्सप्रेशन यानी चेहरे की फीलिंग्स दिखा दी, एक्सप्रेस करके चेहरे से दिखा दिया। ऐसा होना चाहिए, जब भी आप कोई भी वर्ड ऐसा यूज करो, आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन होना चाहिए, आपके हाथों से, बॉडी लैंग्वेज से वो दिखना चाहिए। इट शुड अपियर फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर फेस। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? या सर, मुझे के लिए ये मतलब इंग्लिश में कैसे, मुझे को क्या बोलेंगे? जैसे कि मैं में आई आता है तो आई एम स्लीपिंग या कुछ भी बोल देते हैं, तो इसमें मुझे थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आता है। माय सेल्फ, खुद को, मुझे, मी, ये दोनों यूज होते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू सर। इट्स ओके। तो हम यहाँ पर थे तो एक्सप्रेशंस आपको दिखने चाहिए, ठीक है। आई एम सो टायर्ड। अब जो मैं प्रेशर ऑफ टंग की बात कर रहा था, यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन तो आपने दिखा दिया चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से ये दिखा दिया आपने ऐसा चेहरा बना के, लेकिन आपका जो प्रेशर ऑफ टंग है वो ऐसा है आई एम सो टायर्ड।
आई एम सो टायर्ड. इसमें क्या होना चाहिए, देखो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ प्रेशर ऑफ टंग आपका फीलिंग के साथ, अब यहाँ पर एक फीलिंग है टायर्ड वाली, एक फीलिंग है ना, फीलिंग के साथ साथ आपकी जो टोन है ऐसे बोलते बोलते या तो ऐसे जानी चाहिए या ऐसे बोलते बोलते नीचे आ जानी चाहिए. ये हैप्पीनेस की होती है, ठीक है. ये एंग्री की होती है, अगर आपको एंगर आई है, किसी पे गुस्सा आया है, यू आर फीलिंग एंग्री, यू आर एंग्री, देन आपकी टोन ऐसे ऊपर जानी चाहिए, ठीक है. अगर कोई किसी ने आपको बोला कि इकरा कितनी काम चोर हो तुम, काम ही नहीं कर रही हो, तो इकरा को गुस्सा आएगा एंड शी विल से आई एम सो टायर्ड. यस सर. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है. यस सर. और ये अगर जोक चल रहे होंगे, मान लो एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स बैठा है, इकरा बैठी है साथ में, और उसको पूछ रहे होंगे, इसकी साथ की फ्रेंड्स पूछ रही होंगी कि व्हाई आर यू सो स्लीपी, राइट, व्हाई आर यू स्लीपिंग लाइक दैट, व्हाई डल, तुम ऐसे डल क्यों हो, ठीक है, व्हाट हैपेंड टू यू, तो इकरा हंसते हंसते कह सकती है एक्चुअली आई एम टायर्ड, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन होने चाहिए, ये आपका हाई पिच और ये लो पिच होनी चाहिए, ये टोन होनी चाहिए आपके एक्सप्रेशन में. अगर कोई ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बना रहा है तो उसका ये वाला नहीं होगा, फिर उसका ये वाला होगा, आई एम सो टायर्ड. आर यू गेटिंग इट? जी सर. सर इसके बिना इंग्लिश स्पीकिंग नहीं हो सकता. Yes, sir. Expressions of the body language, of your hands, of your face. इसके साथ साथ आपका high tone और low tone होनी चाहिए. Then you are almost complete in English speaking. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है, तो हम next class में यहीं से आगे continue करेंगे, ठीक है. तो I will send the homework. I'll send the homework on WhatsApp. Right? जी सर. So we're going to end the class here. किसी को कुछ पूछना है? No sir. Okay. No sir. ठीक है गुरबा? जी सर. गुरबा इकरा फातिमा जी एवरीवन. सर WH फैमिली में सिंगल और प्लूरल दो भी आएगा ना? या सिंगल और प्लूरल आंसर्स में आएंगे ना. ये पूछने वाला ग्रुप को भी पूछ सकता है, अगर ग्रुप को पूछ रहा है तो उसमें से एक जना आंसर देगा, वो सबकी तरफ से देगा. जी जी सर. अच्छा, जैसे कि सर एक क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन खुद से बनाना है और आंसर भी खुद से देना है उसका. देखो क्वेश्चन तो हम एक कंडीशन सोच रहे हैं, इसीलिए खुद से ही बनाना पड़ेगा. ओके सर. है ना? Yes, okay. हम सोच रहे हैं अभी, वी आर प्रैक्टिसिंग, तो yes, हमें ही सोचना है कि क्या क्या पूछा जा सकता है या क्या क्या पूछते हैं नॉर्मली इन लाइफ, जिंदगी में, हम स्कूल में या आसपास क्या देखते हैं, ये दोनों चीजें कैसे यूज होती हैं, है ना? Yes, तो उसके आंसर्स क्या क्या होते हैं, बस. ओके सर. थैंक यू सर. इट्स ओके. ठीक है फातिमा जी, इकरा, गुरबा, एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय टू ऑल. ओके सर. थैंक यू.